नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम आपको विकास दुबे के कानपुर वाले विकास दुबे बनने की कहानी बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अनाज स्टोर में काम करने वाले विकास दुबे ने जुर्म की अंधी गली में कदम रखा और बन गया गुनाहों का सरताज। कैसे उसकी कुछ ख्वाहिशों ने उसे एक नेता से गुंडा, गुंडे से हत्यारा और हत्यारे से गुनाहों का देवता बना दिया। लेकिन उससे पहले आज हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कानपुर वाले विकास दुबे का वो बयान जो उसने आखिरी वक्त जब उज्जैन से कानपुर जा रहा था तब उसने एसटीएफ को किन किन लोगों के बारे में जानकारी दी थी, क्या क्या नाम लिए थे और क्या क्या राज उसने खोले थे। कानपुर देहात का 12 टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद थाली पलटती है। मुठभेड़ में विकास दुबे को मार गिराया जाता है। उज्जैन से निकली एक टाटा सफारी में पिछले सीट पर बीच में विकास दुबे को दिखाया गया था। दोनों तरफ एसटीएफ के लोग थे और जाहिर है कि आगे भी होंगे। कानपुर की तरफ भागते इस कार में विकास दुबे से लगातार सवाल किए जा रहे थे। ये सवाल विकास के अपराध और गुनाहों की दुनिया से जुड़े थे। ये जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो विकास दुबे को पालने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एसटीएफ ये भी जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो विकास दुबे के गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं और उसके धंधे को बढ़ा रहे हैं। तो एसटीएफ ये भी जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो खाकी और खादी में हैं लेकिन मददगार विकास दुबे की हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ना सीखा है रे किशन राव? पांचवी है, फेल। और तू मिनिस्टर बनेगा? तीसरी चौथी वाले भी तो है ना भाई। कमाल है ना बॉक्सर, ऑफिस में चपरासी बनने के लिए भी एसएससी पास लगता है। पॉलिटिक्स वाली एक ऐसी जगह है जहां क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं लगता। क्यों, करप्ट होना जरूरी नहीं है क्या? 50 पुलिस वाले जो विकास का हुक्म बजाते थे, उसके पैसे पर पलते थे, वो कौन है? वो 11 विधायक कौन है जिनका गैंगस्टर विकास से याराना रहा? बहुत मुमकिन है कि इन सब लोगों के खिलाफ जांच शुरू हो और बहुत जल्द कई सफेदपोश लोग बेनकाब। बिकरू का गैंगस्टर विकास दुबे, अब उसने कई खुलासे किए हैं। उन खुलासों का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, इस बात को एसटीएफ ने भी बताया है। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे जो विकास दुबे है वो जुर्म की इन ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक अदने से लफंगे से गैंगस्टर, और इसमें राजनीति, प्रशासन और समाज तीनों ने विकास दुबे की मदद की। एक वक्त ऐसा आ गया कि वो इन तीनों पर राज करने लगा।
और अपने काले साम्राज्य और नाजायज जायदाद को विकास दुबे लगातार बढ़ाता चला गया। ये बात भी उसने एसटीएफ के सामने कबूल की और उसका वीडियो भी है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी के आधार पर ईडी ने भी विकास के खिलाफ अब जांच शुरू कर दी। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा जो कानपुर के एक हाईवे पर पुलिस की गोली से मारा गया, लेकिन जुर्म के रास्तों पर चलते हुए विकास दुबे ने बेहिसाब दौलत भी इकट्ठा की है। विकास की क्राइम कुंडली पूरे देश के सामने है, हर कोई विकास के बेरहम चेहरे से वाकिफ है। लेकिन आज हम आपको विकास दुबे के जिंदगी के उस पहलू से वाकिफ कराएंगे जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया न्यूज पर आज विकास की संपत्ति से जुड़ा ऐसा खुलासा होगा कि विकास के अंत के बाद पुलिस और जांच एजेंसी उसके काली किताब का पन्ना तेजी से कैसे पलटने लगी है। मामूली टी शर्ट और पैजामे में उज्जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर करने वाला विकास दुबे न केवल बहुत शातिर अपराधी और हत्यारा था, बल्कि उसकी संपत्ति की मीनार भी उसके गुनाहों के किले जितने ही ऊंची थी। कैरेक्टर इसका एक ये बहुत ही ऑर्गेनिक क्रिमिनल रहा है, जैसे तबीयतन क्रिमिनल्स होते हैं जिनको बचपन से ही शौक होता है क्राइम, क्रिमिनल एक जो ग्लैमर होता है क्राइम वर्ल्ड का, उससे ये बहुत ज़्यादा इनामर्ड रहा है। हम लोगों ने इसके बारे में ये बताया जाता है कि जब ये क्लास 9th में था, जब इसको रस्टिकेट किया गया है, तो ये अपने स्कूल पहुंच गया था एक कंट्री मेड गन लेके, और इसने अपने जितने भी स्कूल के साथी थे उनको पूरे ग्राउंड में दौड़ाया था उसको दिखा दिखा के। और इसके जो फादर थे राम कुमार दुबे, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जब वो रस्टिकेट हो गया, उसके बाद भी कोई सख्ती वगैरह नहीं की गई और ये बढ़ते ही चला गया। इसका शुरुआत कुछ इसी तरीके से है, फिर छोटे मोटे झगड़े होते रहे। ये एक अपना टीम बना के काम करने में यकीन रखता था, खूब अपने दोस्त यारों सबको इसने अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ था। अगर आप देखें तो इसकी 80% जो इसकी फैमिली के लोग हैं वो इसी के लिए काम करते थे, तो वो एक काइंड ऑफ ही जो था ये अपने आप में कंपनी टाइप का बन गया था जिसके लिए सब कुछ किया जाता था। विकास दुबे के आतंक के किले को तो पुलिस ने कानपुर के हाईवे पर गिरा दिया, लेकिन अब विकास के खजाने की मीनार ईडी और पुलिस के रडार पर है। विकास के एनकाउंटर के अगले ही दिन विकास की संपत्ति की जांच शुरू हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने आईजी कानपुर से विकास के करीबी और उसके संपत्ति से जुड़ी फाइलें मंगवाई हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक विकास ने अपनी शुरुआती पूछताछ में बताया था कि उसने कई देशों की यात्रा भी की थी और हर जगह संपत्ति खरीद रखी थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर विकास दुबे ने 3 साल में 14 देशों की यात्रा की थी। विकास ने थाईलैंड और यूएई जैसे देशों में अपना पेंट हाउस खरीदा था। दुबई और थाईलैंड में विकास की कई प्रॉपर्टीज हैं। बताया जा रहा है कि विकास के पेंट हाउस की कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए है। शुरुआती जांच में ईडी को पता चला कि हाल ही में विकास ने लखनऊ में एक मकान खरीदा था जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, विकास जिस कानपुर में अपनी गुनाहों का शिकार हुआ वहां भी उसके कई मकान हैं। पनकी इलाके में दुबे की एक आलीशान डुप्लेक्स कोठी भी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि विकास के पास 11 घर और 16 फ्लैट्स हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि विकास के बंदूक की नाल के डर से बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति विकास के सामने सरेंडर कर देते थे, लेकिन पुलिस विकास की काली किताब में विकास के उन शागिर्दों के नाम तलाश रही है जिन्होंने विकास को भगाने में और इतने दिनों तक छिपाने में मदद की। चौबेपुर बेल्ट के अंदर इसने धीरे धीरे अपना
एक एम्पायर टाइप का खड़ा कर लिया। इसके पास एक वक्त में 30-40 लड़कों की टीम होती थी जिसको ये बुलेट टीम कहता था। उसमें जो पहले 15 लोग होते थे वो इसके अपने सबसे करीबी साथी होते थे, जिसमें से अभी एक जैसे पकड़ा गया है अरविंद त्रिवेदी गुड्डन बॉम्बे में, आज वो इसकी लीड करता था, उसमें से कोई मारा नहीं गया। फिर इसने पुलिस, लोकल पुलिस इसी के लिए काम करती थी, जैसे शिवली पुलिस है वो इसी के लिए ही काम करती थी, जैसे चौबेपुर पुलिस हो गई। अब इस केस में उस टाइम जब इसने 2001 में संतोष शुक्ला का मर्डर किया है थाने में जाकर, उस थाने में जाने के बाद ये भागा है, तो इसके साथ इसकी पूरी बुलेट टीम थी, वो एक बुलेट टीम थी 15 लोगों की इसकी, वो इसको प्रोटेक्ट करती थी, इसको असलहों से हर तरीके से सेफ हाउस दिलाने से लेके सब कुछ इसके लिए वो, तो इसका एक तरीके से वो था। तो इस बार भी ये जो भागा है तो एक तरीके की एक डिफरेंट बुलेट टीम थी जो इसको हेल्प कर रही थी, जिसकी वजह से ये कानपुर से उज्जैन भी पहुंच गया। तो इसका, और ये बड़ा शातिर किस्म का इंसान था, इसको लॉ से कैसे खेलना है ये भी बहुत अच्छी तरह से आता था। आप समझ लीजिए कि आप एक भाजपा के राज्य मंत्री को मार रहे हैं, वो भी थाने में घुस के मार रहे हैं, और आप उसके बाद भाग जाएं और 4 महीने तक आप ना पकड़ में आए, 4 महीने तक आप पकड़ में ना आए। पूरे यूपी की पुलिस जैसे इस बार इसको ढूंढ रही थी वैसे ही तब ढूंढ रही थी, वो भी हमने कवर किया है, ये भी कवर किया है। और ये 4 महीने बाद कुछ पॉलिटिशियंस के साथ कोर्ट में अपीयर हुआ और इसने सरेंडर कर दिया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार विकास को प्लॉट और शराब कारोबारी ने सरेंडर करने में मदद की थी। उज्जैन में पूछताछ में विकास ने अपने करीबी पुलिसकर्मियों का नाम लिया और बताया कि उसने कई पुलिसकर्मियों को प्लॉट भी दिया था। विकास पुलिस वालों को पैसे भी पहुंचाता था और पुलिस वालों ने इसी एहसान तले दबकर विकास को भागने में मदद की थी। इस पूरे मामले में उज्जैन के एक शराब कारोबारी का भी नाम सामने आने की बात कही जा रही है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब विकास दुबे के जो सहयोगी हैं उन पर भी नजर बनाए हुए हैं इस मामले में, क्योंकि कई चीजें सामने आ रही हैं कि विकास दुबे के और भी कई बिजनेस है जिसमें उसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो ऐसे में ईडी की नजर अब पड़ रही है विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी के ऊपर, क्योंकि ये अब तक की तफ्तीश में बात सामने आ रही है कि जय वाजपेयी विकास दुबे के पैसे को लगवाया करता था और उसने तकरीबन 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था। अभी तक की जानकारी में जो बात सामने आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि विकास दुबे के पैसे को जय वाजपेयी ने प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाया हुआ था, उसके होटल के बिजनेस में लगाया हुआ था, और यह भी बात सामने आ रही है कि जानवरों की खरीद फरोख्त में भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक विकास के तार मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विकास दुबे की संपत्तियों की जाँच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे की संपत्ति की फाइल मांगी है। सूत्रों का कहना है के विकास की काली कमाई का इंटरनेशनल कनेक्शन काफी गहरा है। नोटबंदी के पहले विकास सूद पर भी पैसे लगाया करता था। पुलिस ने गुनाह के दम पर खड़े किए विकास के कानपुर वाले मकान को तो पहले ही ध्वस्त कर दिया है। पहले भी विकास के घर से कई दस्तावेज, अवैध हथियार और नगदी पुलिस को मिल चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विकास की काली दुनिया की काली कमाई के कितने हिस्सेदार पुलिस और ईडी बेनकाब कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कई नाम हैं जिनका अब सामने आना बेहद जरूरी है और वो सभी नाम एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। अब आपको हम ये बताते हैं कि कैसे इस विकास दुबे ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, कैसे विकास दुबे कानपुर वाला विकास दुबे बना, कैसे विकास दुबे एक के बाद एक कई बड़े मंत्री और लोगों की हत्या करता रहा लेकिन हर बार साफ बचकर निकल जाता था। कैसे बना विकास कानपुर वाला विकास दुबे?
बेकरों का विकास दुबे जी ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था, ये था एक ऑर्गेनिक क्रिमिनल यानी कि फितरतन क्रिमिनल, जो कि अपराधी अपनी फितरत से बनता है। बताते हैं कि जब वो नवी क्लास का छात्र था तभी कट्टा लेकर वो पहुंच गया था स्कूल और उसने दौड़ दौड़ के अपने सहपाठियों के साथ की थी गुंडागर्दी, लेकिन घर वालों ने इसको ना रोका ना टोका, जिसके बाद उसके हौसले बढ़ गए। हौसले इतने बढ़े कि 2001 में वो शिवली थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री की कर देता हत्या, लेकिन लोग तब भी रहते हैं खामोश, वो हो जाता है बरी। ये साफ बताता है कि बिकरू के विकास दुबे का जो हौसला था वो लगातार बढ़ रहा था, और यही वजह थी कि जब पुलिस पहुंची उसके यहाँ दबिश मारने 2-3 जुलाई की रात में, तो उसके ईगो पर लगे ठेस, उसने रुक के की तैयारी और मार गिराया 8 पुलिसकर्मियों को। कैसे विकास दुबे कई इलाकों का सरगना बन गया? हत्या, लूट और आम जनता को करना प्रताड़ित, ये सब करता था विकास दुबे। लोग को पता ही नहीं चला कब वो छोटे से मंझोले से बड़ा अपराधी बन गया। लोगों को इस बात का एहसास ही ना हुआ कि वो बड़े अपराधी से उसने बना ली अपनी खुद की एक कंपनी। यही वजह था कि उसका मकड़ जाल सिर्फ बिकरू गांव नहीं बल्कि बिठूर के आसपास के तमाम इलाकों में था, चाहे वो रानीगंज कह लीजिए चाहे अन्य इलाका कह लीजिए, वहां तक फैला था उसका मकड़ जाल। और लोगों को तब इसका एहसास हुआ जब उसने उतार दिया 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट। कैसे विकास दुबे की राजनीति में पैठ बन? विकास दुबे जिसकी जुबान पर ये था, और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है, मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। वो विकास दुबे जिसकी नीयत ये थी, मैं तो जिस समय गांव में या क्षेत्र में अपने निकलता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी पंडित जी कहकर आगे मेरी गोद में आ जाते हैं, मैं कैसे जानूं कि लोग मुझे खौफ खाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, खौफ से सिलेक्टेड हुआ जा सकता है, इलेक्टेड नहीं हुआ जा सकता है। इलेक्टेड आदमी वही हो सकता है, और आज तक मैं कभी सिलेक्ट होकर कोई मैं नेता नहीं बना ना मैंने पाया। आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े मैंने पब्लिक इलेक्शन लड़े, और आज के इस दौर में पब्लिक को टेरर में लेना या पब्लिक को टेरर लेके वोट लेना ये संभव नहीं है।